ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ, 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 रब का इनाम हम पर हुआ है, रब का इनाम हम पर हुआ है, रब का इनाम हम पर हुआ है, हम पे अल्लाह की ये अता है, ईद का हमको तोहफा मिला है, ईद का हमको तोहफा मिला है, हर मुसलमान यही कह रहा है, ईद का हमको तोहफा मिला है, ईद का हमको तोहफा मिला है, मीठी ईद है, खुशियाँ संग लाई, रंजिशें सारी दिल से निकालो, आज रूठे हुओं को मना लो, रंजिशें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद ईदगाह खबराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फितर की नमाज मुकम्मल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र एहसान करता हूँ, अल्लाह ताला ने फिर से हमें मौका दिया ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का। तमाम लोग जो आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा अच्छा अरेंजमेंट हुआ है और मैं वादा करता हूँ मेरे तमाम लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद उल फितर में इंशाल्लाह हज हाउस का काम शुरू हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। और इंशाल्लाह जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह वो फ़ंड ला के यहाँ पर हज हाउस का इंशाल्लाह हम लोग काम शुरू करेंगे। और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम लोग जो आए हैं और तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही खुशी हुई कि अल्लाह ने मौसम को तब्दील किया, क्योंकि हमें डर था कि बहुत धूप तेज़ रहेंगे, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से नमाज हुई। मैं उन तमाम जो लोग नमाज़ के लिए आए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके जो इस कमेटी के सदर साहब हैं फराजुल इस्लाम और हमारी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार आज़म और मुश्ताक साहब, वाहिद अली फातिह खानी साहब, हम तमाम लोग, जैदुल इस्लाम, तमाम लोग मिलकर इस काम को अंजाम दिए। हम आपका जो ताउन रहा उसके लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास कर इस मौके पर मैं बुलाना चाहता अलहाज खमस सलाम साहब की मगफरत करे अल्लाह ताला, क्योंकि उन्हीं की देन है जो ये ईदगाह की जो ज़मीन है और हज हाउस की ज़मीन है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी खबर को नूर से रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तमाम आलम इस्लाम को, तमाम जो है ना मजहब व मिल्लत को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, जैसा कि इमाम साहब ने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला तो हमारे तमाम जो है ना रमज़ान के तमाम इबादतों के बदले में तमाम जो है ना हमारी दुआओं को जो है ना कबूल करें। और जो ख़ास करके जो है ना फिलिस्तीन के लिए जो है ना रमज़ान भर में जो दुआएं की गई हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि फिलिस्तीन के जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वहाँ के जो है ना जो तकलीफ़ हैं, अल्लाह ताला जो है ना उनको, अल्लाह ताला जो है ना उनके तकलीफ़ों को जो है ना दूर करे और जल्द से जल्द उनको जो है ना राहत मिले। और मैं तमाम जो है ना और एक बार जो है ना मैं मुसलमान भाइयों को तमाम जो है ना लोगों को जो है ना ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम गुलबर्गा के मोहम्मदी ईदगाह कमराबाद से अर्ज़ कर रहे हैं कि अभी अभी यहाँ ईद की नमाज हुई है और यहाँ पर आलम इस्लाम के लिए दुआएं हुई हैं और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को हम ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं उनकी हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब हम तय करके उठे हैं इंशाअल्लाह
आने वाली ज़िंदगी भी हम रमज़ान में जो दर्स हासिल किए हैं उसके मुताबिक गुजारने की हम कोशिश करेंगे, इसका हम आज़म करके उठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सैयदना मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमाइन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।